हे स्पेक्टेटर्स, वेलकम बैक। तो आ गए एक और नए गेम प्ले वीडियो के साथ, और इस मैच में मैं उतरा हुआ था सुसनोका मिलिट्री बेस में। बहुत लोग उसे मिलिट्री बेस बुलाते हैं, मगर कभी कभी मैं उसको सुसनोका बुला लेता हूँ, पता नहीं क्यों। तो फिलहाल मैं टावर लूट रहा था, क्योंकि यार सी बिल्डिंग में बहुत खतापाई होती है और मतलब जान से भी फट जाती है कभी कभी। तो वहाँ पर पिछले 2-3 मैच में इतनी बार मर चुका हूँ, तो होता है भाई कभी कभी। सेफ जगह उतर के लूट के फिर हॉट ड्रॉप में जाना ही प्रेफर करता हूँ मैं। तो इससे मुझे फ़ायदा भी होता है, क्योंकि हॉट ड्रॉप में कई बार ऐसा होता है ना कि हम जिस घर में उतरते हैं उस घर में और भी बंदे उतरते हैं, तो हमें ज़्यादा लूटने का मौका नहीं मिलता है, और इतने में वो सामने वाला बंदा हमें मार देता है। तो हमारी स्टैट्स को भी उस तरीके से फ़र्क पड़ता है, स्टैटिस्टिक्स को। तो मैंने सोचा पहले तो टावर पे आ जाओ, टावर पे ज़्यादा करके बंदे आते नहीं हैं, इसलिए मैं उतरा। और मतलब अच्छे अच्छे मुझे वो चीज़ें भी मिल गए, जैसे कि वेस्ट हो गया, हेलमेट हो गया, सब मुझे बढ़िया मिल गया। अभी बस मुझे सी बिल्डिंग वालों पर पुश करना था, क्योंकि वहाँ पर बंदे थे। मगर हमारी इस टावर पे भी बंदा था, जी हाँ, अपने टावर पे भी एक बंदा उतरा हुआ था। तो इसके फुटस्टेप मैं सुन के थोड़ा धीरे धीरे संभल संभल के जा रहा था, और थोड़ा इसने भी मतलब फुटस्टेप सुन लिए थे, मगर मेरे नेट खींचते ही वो मतलब भाग गया दूसरी साइड को। तो इतना मुझे टाइम मिल गया, और मैंने उसको पीछे से मार दिया UMP-45 से। तो बस ये बंदे को यहीं पर ठिला दिया। अभी जाते सीधा सी बिल्डिंग के आसपास बंदे ढूंढने, क्योंकि जब तक सी बिल्डिंग के आसपास क्रेट्स पड़ी ना मिली तो यार मज़ा नहीं भाई, तो सुसनोका मिलिट्री बेस लगता ही नहीं है। तो चलो ओके। तो सी बिल्डिंग में ही हम बंदा दिख जाता है एक आते आते। तो इस पर पहले तो मैं नेट की बरसात करता हूँ, मगर नेट से तो ये मरता नहीं है, इसलिए मुझे ही पुश करना पड़ता है इस पर। और दो नेट से ज़्यादा तो थे ही नहीं मुझ पर, तो चांस ही नहीं बनता था। ओके तो गाइस, चलो इसका उछल कर हो गया होगा तो इसको सिटी बना देते हैं और नई लॉबी स्टार्ट करने कह देते हैं। ओके तो इस बंदे को मारने के बाद मतलब सुसनोका मिलिट्री बेस खाली हो जाता है। ऑफकोर्स यार खाली होगा, क्योंकि मतलब लास्ट स्टॉप कह सकते हो आप, प्लेन लास्ट यहीं पर जा रहा था, और मगर पूरे प्लेन में हॉट ड्रॉप मुझे सही वाला यही लगा मतलब पाथ में। तो मैं यहाँ पर उतर गया, और मेरे अलावा यहाँ पर बहुत मतलब कम बंदे उतरे हुए थे, क्योंकि मैं जैसे आया मेरे को खुद को 2 किल मिले, और 2 किल करने के बाद पूरा मैं घूम गया, मगर कोई बंदा नहीं मिला। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी सीधा चले जाते हैं अपन जोन में। ठीक है ओके, तो यहाँ पर ब्रिज पर आते ही मेरे मतलब क्या सीन हो जाते हैं, सामने एक डाशिया खड़ी हुई दिख जाती है, और मतलब मैं समझ जाता हूँ कि भाई ब्रिज कैंप है, अब तो जाएंगे अपन। मगर यहाँ से मैं जैसी गाड़ी निकालता हूँ, एक बंदा भागते हुए दिखता है, और बस देखो आप क्या सीन होता है, मतलब बंदे का गलत टाइम पे जंप दब गया। अगर से वो क्राउच हो जाता तो बच भी जाता, क्योंकि उसके नीचे से निकल जाता, मगर ये रेलिंग ने उसको अड़ा दिया, और भाई मुझे किल मिल गया। मगर बहुत गलत सीन हो गए बंदे के साथ, मगर क्या ही कहे, मतलब मैं रुक भी जाता ना अगर वो जगह पे तो ये बच जाता था, मगर नहीं, मैं गाड़ी आगे लेके गया, और बहुत गलत सीन हुआ बंदे के साथ। चलो खैर, अगले लॉबी में इसको चिकन डिनर मिले, तो यहाँ से अपन निकलते अभी। ओके तो मैं बंदे ढूंढ रहा होता हूँ, और मतलब मेरी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मुझे बाइक दिखती है, तो
मैं इस बाइक को लेने आता हूँ, इतने में मुझे एक और बाइक की आवाज़ आती है, तो मैं उसको बॉट फायर देके अपनी तरफ बुला रहा होता हूँ। और बस देखो क्या सीन होते हैं। वो बंदा आ तो जाता है मगर बिल्कुल मेरे पास नहीं आता, और उसको मैंने स्प्रे में थोड़ा डैमेज तो दे दिया था, मतलब एक दो गोली का, मगर वो दूसरे घरों में चले जाता है। और मुझे थोड़ा टाइम तो मिलता है इतना कि मैं फ्लैंक कर सकूँ उस पर, क्योंकि यार वो एक दीवार के पीछे और मतलब पैनिक हो गया होगा बंदा, तो उसके दिमाग में कुछ नहीं होगा, वो सीधा जाके घर में हील करेगा, ठीक है। तो रास्ते में मुझे एक बॉट मिल जाता है, उसको मार लेता हूँ मैं, और मैं भी एक हील कर लेता हूँ क्योंकि भाई बॉट ने हमें डैमेज दे दिया है। मुझे बॉट लोग से एक मतलब सवाल है भाई, इनकी पहली गोली हमेशा लगती है मगर बाकी गोलियाँ इधर उधर जाती है, और दो तीन गोलियों के बाद मतलब लगती है दूसरी गोली। ओके तो गेम प्ले पर आते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा बंदा, मुझे पता चल गया था वो कौन सा वाले घर में है, और मैं उस पर नज़र रखे बैठा था, मगर पता नहीं क्यों मुझे उसको मारने का मन नहीं कर रहा था, और इतने में वो दूसरे घर चेंज कर लेता है, तो भाई मेरी सनक गई। मैंने उसको पहले तो डैमेज दिया, फिर से वो पैनिक हो गया होगा ये सोचकर मैंने कर दिया रश, और बंदे का ध्यान तक नहीं था, ठीक है, मुझ पर। भाई सही में यार इतना पैनिक वाला बंदा है ना ये, सही में बता रहा हूँ मैं आपको। आखिरकार ये मरा तो बताता नहीं, हाँ चलो बता ही देता हूँ, नेट से मरा आखिरकार, ये बताता हूँ कैसे, अभी देखते जाओ बस कैसे मरा नेट से। पहले तो मैं चेक कर रहा था घर के कौन से कोने में बैठा है भाई फुटस्टेप सुनकर, तो बस देखो अभी। पहले तो नेड़ खींचा, और जैसे ही नेड़ फेंका बंदा वहीं पर था, पता नहीं कैसे उसको लगा नहीं, ठीक है, मगर दूसरा नेड़ ये गलत नहीं हो सकता, नहीं नहीं नहीं, और दूसरे नेड़ ने अपना काम कर दिया, तो इस बंदे का भी काम ख़त्म हो गया। पता नहीं इसने स्मोक क्यों करा, मुझे डराने के लिए या मेरा ध्यान भटकाने के लिए, मगर कोई नहीं। इसको जैसे ही मैं लूट रहा हूँ तो और गाड़ी आ जाती है, बताओ यार। कुछ देर पहले हमें बंदे नहीं मिल रहे थे और अभी बंदे मिल रहे, तो भाई क्या बोले भाई, कहते ना भाई ऊपर वाला जब देता छप्पर फाड़ के, भाई सेम हो रहा है भाई, बंदे मिल नहीं रहे थे कुछ देर पहले और अभी मिल रहे, तो भाई एक के बाद एक। तो ये गाड़ी सीधा जाती है अभी स्कूल में, इसको मैं कितना डैमेज दे देता हूँ भाई, M4 की गोलियाँ मतलब सारी ख़त्म नहीं होती, मगर एक मैगजीन ख़त्म हो जाती है, दो मैगजीन ख़त्म हो जाती है, मगर ये बंदा रुकता नहीं है, ये भाग जाता है सीधा स्कूल में। और इसका मोटिव ये था, बंदे को ड्रॉप लूटना था भाई, बंदों से लफड़े थोड़ी करने इसको, ना ना इसको तो ड्रॉप लूटना है भाई, एक नंबर का कैंपर लग रहा था मुझे। ओके तो मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, चलो बंदे के पास जाते हैं। ओके तो मैं यहाँ पर अभी आ जाता हूँ स्कूल अपार्टमेंट में, और यहाँ पर ड्रॉप गिरा होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ यार, वो जीप वाला भाग के आता है तो बिल्कुल यहीं पर आता है, और हमारा युद्ध भी होता है। बस देखो कैसे, पहले तो मुझे उसकी लोकेशन मालूम करनी थी, कौन से अपार्टमेंट में वो बैठा है, और मुझे इतना तो मालूम था कि वो अपार्टमेंट में ही है, तो चलो इसको पहले ढूंढते हैं। ओके तो ये बंदा मुझे दिख तो जाता है मगर इतना आसानी से मरता नहीं है, इसको मुझे शॉर्ट रेंज में ही मारना पड़ता है, मगर मैं इसके शॉट में नहीं आता, ये मेरे खुद शॉट में आ जाता, और मतलब खुद को लॉबी भेजने की फिर से इच्छा रखते हुए भाई बंदा टॉप 10 तक आ जाता था अगर चुपचाप वो घर में बैठता, मगर नहीं उसको पुश करना है, ठीक है, मैं खुद पुश कर देता उस पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, शायद से वो मुझे मार देता, मगर उसने मुझ पर पुश करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी।
ओके तो बस देखते जाऊं। ओके तो इस बंदे को भी मार दिया और इसको मारने के साथ साथ एक बॉट भी फ्री में मिल जाता है, जैसे कि हमेशा ही मिलता है भाई। तो हमारा अंत भी मतलब इस गेम प्ले का यही स्कूल में होता है। ओके तो स्कूल के पीछे ड्रॉप गिरा था, जितने देर हम लोग फाइट कर रहे थे उतने देर में एक ड्रॉप भी गिर गया। तो वो ड्रॉप मैं लूट के गाड़ी ढूंढ रहा होता हूँ, मतलब गाड़ी भी फ्यूल ख़त्म हो जाता है। पता नहीं हर बार मेरा फ्यूल ड्रॉप के पास आते ही क्यों ख़त्म हो जाता है। मगर यहाँ से मैं जैसे ही गाड़ी ढूंढने के लिए रोड की तरफ निकलता हूँ तो इतनी देर में भाई मुझ पर फायर पड़ता है और बंदा भी इतना चौड़ में भाई पुश करने लग गया। मगर इतनी देर में मैंने हील तक कर लिया था और बस एक स्प्रे से डर गया मेरे, वो तो आप देखो कैसे। कुछ देर पहले इसने मुझ पर ऐसा फायर करा था कि मतलब मुझे कवर में आना पड़ रहा था और मेरे एक स्प्रे से बंदा देखो भाई किधर तक चला गया, सीधा रोजोक चला गया बंदा भाग के, बताओ यार। ठीक है तो मैं सीधा पोजिंग की जाने वाले रास्ते से गाड़ी ढूंढ रहा था और इतने मुझे यही से भाई एक गाड़ी दिख जाती है और मैं समझ जाता हूँ भाई आसपास कैंपर है, तो थोड़ा सा संभाल के रहना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक माउंटेन ड्यू पी कर भाई। माउंटेन ड्यू पीने में भाई शर्माना नहीं भाई, खुले आम माउंटेन ड्यू पिया भाई, कोई नहीं रोकेगा तुमको। किसी ने रोक लिया तो सीधा दूसरी मैच चालू कर दो, ठीक है। माउंटेन ड्यू पीते हुए शर्माना नहीं। ये सीन पे बस तुम लोग टाइमिंग देखो भाई, मतलब मैं मेरी जो जंप नहीं होती ना भाई कतई यार रुक जाता मैं। और ये टाइम पे भाई तुम वो ब्रिज वाले का समझो भाई, ब्रिज वाला इतना बुरी किस्मत थी उसकी, वो मेरी गाड़ी से पिल गया। मैं भाई इतनी सही किस्मत भाई, मैं बच गया। जो कूदी नहीं होती ना भाई, मेरा प्लेयर जो कैरेक्टर है जो कूदा नहीं होता ना भाई, सही में भाई। देखो तो यहाँ पर मेरे सामने वाला जो घर है उसमें भी बंदा होता है मगर वो दिखता नहीं है बहुत देर तक, जब तक जोन भी यहाँ पर से चले जाता है वो बंदा हिलता नहीं है जगह से, मतलब आवाज़ तक नहीं करता है। तो मैं भी अपना चुपचाप गाड़ी उठा लेता उसकी और यहाँ से कट लेता। ओके तो अपार्टमेंट्स में भी एक ड्रॉप गिरा होता तो मैं यार यहाँ पर ये लूटने आ जाता हूँ, क्योंकि स्कूल में जो ड्रॉप था उसमें तो भाई कुछ लूट नहीं थे, उसको कोई पहले से ही लूट कर गया था। तो मैं वहाँ से निकल कर, तभी तो मेरे हाथ में बैरल और M416 ही थी, कुछ और था नहीं। तो यहाँ पर लकीली मुझे ग्रोजा मिल जाती है और इस अपार्टमेंट के छत पर एक बंदा कैंप कर रहा होता है, मतलब भाई डायरेक्ट घुस गया होता तो मेरी पेटी भी बन जाती थी, मगर संभल कर गया इसलिए बच गया। तो मैं बैंडेजेस का आवाज़ कर रहा था ताकि मैं ये सोच रहा था भाई अभी आएगा ये रूम में, मगर आया ही नहीं आखिरकार वो। तो मुझे इस पर पुश करना पड़ा और भाई मतलब समझ रहा था मैं है किधर भाई, इस वाले रूम से तो आवाज़ आ रहा है। मगर बाद में थोड़ा देर वेट करने के बाद मुझे समझ में आता है कि भाई बंदा ये तो या तो ऊपर है या तो नीचे, ये वाले फ्लोर पर तो है नहीं, ठीक है। तो अब जो है मुझे उसको लेटने का आवाज़ आ गया था मुझे उसका, तो बस यहाँ पर है वो। और भाई मुझे बिल्कुल भी क्लाइम नहीं करना था, मुझे इस घर के अंदर नहीं आना था, मुझे सिर्फ बाहर की तरफ से ऐसे जंप करके उसको खिड़की के थ्रू उसको डैमेज देना था, वरना बिना जंप किए तो दीवार को लग जाते सारे शॉट्स। मगर पता नहीं
ये दिक्कत है भाई, जंप करो ना तो डायरेक्ट क्लाइम कर लेता है। हाँ मुझे पता है इसके भी अलग अलग बटन आते हैं एक जंप करने का, एक क्लाइम करने का, मगर मैंने एक ही रखा है क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए और ज़्यादातर लोग ऐसा ही रखते हैं। तो यहाँ पर अभी भी फिलहाल बच रहे थे मेरे अलावा और तीन लोग और पूरा जोन स्कूल में था, मैंने मैप में तक दिख रहा है पूरा जोन। तो बस आखिर के बंदे है कहाँ पर, आई नो तीनों के तीनों कैंपर ही हो, मतलब है तो उस पहाड़ में ही पुजिंगी की साइड का। तो बस हमें उन स्पॉट करना है भाई, सारे ऐसे ऐसे ये बन के बैठा ना साहब, क्या बताऊँ मैं आपको। पहले तो मुझे स्कूल या फिर और अपार्टमेंट्स पर ये आ रहा था, क्या कहेंगे, डाउट, मगर नहीं, सारे बंदों को कैंप मतलब सांप ही बनना है। सारे पीछे पुजिंगी की साइड में कैंप कर रहे थे जितने भी तीन बंदे थे, तो उनको आगे देखने मिलेगा भी। ओके तो मुझे बहुत देर वेट करने के बाद थोड़ा सा साउंड देता है वो पीछे वाला बंदा और उसे मारने मुझे आसानी हो जाती है क्योंकि बंदे ने खुद को अलर्ट कर लिया था। तो मैं थोड़ा देर वेट करता हूँ उसको मतलब बाहर आने का, क्योंकि ऐसे ही मैं अपनी उसको लोकेशन दे देता तो मेरे भी वाट लग जाती थी, क्या पता उसके पास स्नाइपर हो तो भाई गेम तो ऐसे ही ओवर हो जाता था। तो बंदा साफ बनकर थोड़ा और आगे आया, बस गेम ओवर बंदे का भाई। ठीक है तो बाकी के दो बंदे कहाँ पर थे, इसका तो मुझे लोकेशन इसका तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, मगर जो लास्ट बंदा बचता है ना मेरे साथ उसने मार दिया था। तो लास्ट वाला बंदा भी बहुत इजीली मर जाता है, बंदा ओपन में था यार, पूरा ओपन में था, सबको वहीं पे बैठना था, मेरी भी क्या गलती भाई, पूरे तीन के तीन बंदे उस ओपन इलाके में बैठकर क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता। ओके चलो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं हमेशा की तरह। तो जैसे ही मैं ऊपर आ जाता हूँ मुझे कुछ आवाज़ आती है और ये बंदा लगे हाथों में, इसको ख़त्म कर देता हूँ भाई, ओपन में था यार, क्या ही उखाड़ लेता ये। ओके तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है आज की। तो अगर सबको पसंद आई होगी तो लाइक कर देना इस वाले वीडियो को, चैनल कर देना सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन आ जाएगा उसको भी ऑल पे कर देना, वीडियो आते सबसे पहले देखने के लिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।